साल 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने हमीरपुर में नए एसपी का पदभार संभाल लिया है। एसपी अरिजीत सिंह ठाकुर के बदले ऊना से हमीरपुर ट्रांसफर होकर गोकुलचंद्रन आए हैं। कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन हमीरपुर कार्यालय में पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद एसपी गोकुल ने कहा कि नए जिला में नई चुनौतियां मिलेंगी और इनसे निपटने के लिए जिला के सभी एसएचओ के साथ डीएसपी की और अन्य कर्मचारियों के साथ बैठक कर सारी जानकारी जुटाई गई है। आप सबको धन्यवाद, आज मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर। बेसिकली यहाँ के जो इश्यूज है पहले वो उनको समझूंगा और उसके बाद मैं अपने जो प्राथमिकता है उनके ऊपर ध्यान दूंगा। यहाँ इश्यूज है हम आगे का सोचेंगे। मैं यही मानता हूँ कि अफसर अफसर होता है और अपना काम करते हैं, तो मैं यही मानता हूँ कि अपना काम अच्छे ढंग से करना जरूरी होता है, तो मैं वही करता हूँ। बस जो नया जिला है मेरे लिए और नई चुनौतियाँ हैं, तो उस हिसाब से जो एसएचओ और डीएसपी आए थे उनसे उनका इंट्रोडक्शन लिया, उनका नाम वाम पूछा, कहाँ कहाँ के जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ है उसके हिसाब से मैंने उनका पता किया। बस यही था और इसके अलावा हमने कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया था। एसपी गोकुल कार्तिकेय ने कहा कि पेट्रोलिंग पर ध्यान देकर ड्रग्स और नशे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा चोरी की वारदातों पर भी अंकुश लगाया जाएगा। जिला में नशे और खनन पर लगाम लगाने के साथ साथ यातायात व्यवस्था सुधारने को भी प्राथमिकता के तौर पर काम करवाया जाएगा। धीरे धीरे से अभी आने वाले हफ्तों में मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स निकाल के उस हिसाब से आगे का जो प्लान ऑफ एक्शन है उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। तो मैंने इन लोगों को यही कहा था हमारे पुलिस को कि जो बेसिक पुलिसिंग है जैसे कि एवरीडे कोर पुलिसिंग जो पेट्रोलिंग होता है बीट्स होता है उस पर ध्यान दे। तो पेट्रोलिंग और बीट्स पे ध्यान देने से जब मतलब कोर पुलिसिंग करते हैं और पिछले 10 सालों में से जो चोरी और इन जैसे चीज़ों में जो लोग ध्यान दे रहे थे मतलब जो लोग काम कर रहे थे चोर हैं उनका चेकिंग करें तो उस हिसाब से ही अगर करेंगे तो डेफिनेटली इसमें कमियां आ सकती है, मतलब चोरी की जो संख्या है वो कम हो सकती है। आपको बता दें कि भारतीय पुलिस सेवा में 2014 बैच के अधिकारी कार्तिकेयन गोकुलचंद्र ने हमीरपुर के एसपी बनने से पहले ऊना में बतौर एसपी वो मंडी में एसपी विजिलेंस में सेवाएं दी हैं।